रेवाड़ी में शीघ्र बनेगा आईसीयू में सुविधा वाला अस्पताल। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बयान, कोविड भागा नहीं, सर पर मंडरा रहा है खतरा। रेवाड़ी में पहले की तरह ढिलाई बढ़ती तो अवश्य आएगी तीसरी लहर। तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी लगवाएं टीका, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। सभी को मास्क पहनने की भी दी नसीहत। 70 करोड़ में से 35 करोड़ को लगाया जा चुका है टीका। देश प्रदेश की सरकारों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की सराहना की। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए किसी चीज़ की नहीं रहने दी जाएगी कमी। वैक्सीन की नहीं है कोई कमी। इंसाफ मंच में दिए गए चंदे का अब हो रहा है सदुपयोग। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद प्रदेश की राजनीति में पड़ने वाले प्रभाव के सवाल को टाल गए राव इंद्रजीत। कहा, कोरोना राजनीति करने देगा तभी होगी राजनीति। नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का कर रहे हैं शुभारंभ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रहे मौजूद। ऑक्सीजन प्लांट तो हमने इसलिए लगवाए हैं कि पिछले संक्रमण के दौरान जिस तरह से मारी ऑक्सीजन की हुई थी, डर सबको लगने लगा है और सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हैं, सीएसआर की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, कई समाज सेवियों ने भी ये उपलब्ध करवाए हैं। आज रेवाड़ी के अंदर होलिस्टर इंडिया के माध्यम से ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है, लेकिन जो बावल रह गया है, नाहड़ रह गया है और जिलों के अनेक हेडक्वार्टर्स रह गए हैं, वहाँ पर भी ये योजनाएँ लगने लग रही हैं। कुछ भारत सरकार की तरफ से NDRF डिज़ास्टर रिलीफ जो है उसका पैसा है, वो इसके माध्यम से लगने जा रहे हैं। कई जगहों पर, गुड़गांव जैसी जगहों के ऊपर जहाँ पर इंडस्ट्री अच्छी खासी है, वहाँ पर इंडस्ट्री के माध्यम से, CSR के माध्यम से लग रहे हैं। और कुछ इंडस्ट्री वाले जहाँ इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन की बात, स्टाफ तो है ही नहीं सर, इक्विपमेंट तो आ गए लेकिन स्टाफ नहीं। पीछे जो वेंटिलेटर भिजवाए थे PM फंड से भी, वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑपरेटर तक नहीं। ये थोड़ी सी दिक्कत रही, नल्लर जैसे स्थान के ऊपर भी 13-13, 14-14 वेंटिलेटर पड़े रहे लेकिन उनके चलाने वाला ट्रेंड बंदा नहीं मिल पाया। यही और जिलों के अंदर भी कई जगह ऐसी हुई, तो इसको पूरा करने के लिए आज के दिन ट्रेन करवाए जा रहे हैं, चाहे वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हों MBBS के या सेकेंड ईयर के हों, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाले समय, भगवान ना करे कि तीसरी वेव आए, तो इस तरह की किल्लत ट्रेन पर्सनल की ऑक्सीजन प्लांट ICU प्लांट चलाने के लिए शायद ना। सर, देश की आबादी के हिसाब से बहुत कम वैक्सीन लगी है, क्या कुछ रफ्तार बढ़ाई जाएगी? देखो, हमारे देश के अंदर